तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीरितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ये बुरिदा जना। श्री रामकृष्ण प्रश्न कर रहे हैं, मेरा रोग क्यों हुआ? ये चर्चा हम कर रहे थे। मास्टर महाशय ने पहले बताया, जीव को सिखाने के लिए बीमारी होने पर भी कैसे एक ओर से बीमारियों का कष्ट सहन किया जाए, दूसरे ओर से मन को भगवान में निविष्ट किया जाए। जीवन में तितिक्षा एक बड़ी साधन है। तितिक्षा हमारे जीवन को भगवत केंद्रित कर देता है, इसको ऑस्टेरिटीज कहलाता है। तितिक्षा का डेफिनेशन संज्ञा रूप से कहा जाता है, शंकराचार्य कह रहे हैं विवेक चूड़ामणि, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकारपूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। सर्व प्रकार का दुख कोई प्रतिकार बिना अगर सहन लिया जाए एवं चिंता विलाप रहितम, ना चिंता किया जाए ना विलाप किया जाए, तभी तितिक्षा कहलाएगा। न जीवन में दुख प्रधानतः त्रिविध, आदि भौतिक, आदि दैविक एवं आध्यात्मिक। आदि दैविक अर्थात प्राकृतिक दुर्योग आदि, भूकंप हो गया, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़ आ गया, बहुत गर्म, बहुत कठिन ठंडा, नाना प्रकार का प्राकृतिक दुर्योग जनित दुख, अनफोर्सिन नेचुरल डिजास्टर्स को झेलना पड़ता है, एक प्रकार का दुख होता है। और दूसरा है आदि भौतिक, जो कि सबसे सचराचर ही सबसे ज़्यादा दुख का कारण है। औरों से जो दुख मिलता है, और जीवों से और अन्य भूतों से, कोई व्यक्ति कुछ कह दिया, कटुवाक का व्यवहार किया, कुछ ऐसी किया कि आप विपद में पड़ जाए, औरों से जो दुख मिलता है, जो विपरीत धर्मी व्यक्ति है, शत्रु है, जो हमें पसंद नहीं करते हैं, उनमें से जो प्रतिकूलता आता है, उस जनित दुख का आदिभूति कहलाता है। जो सबसे अच्छा संपर्क रखते हैं उनके लिए आदिभौतिक दुख कम हो जाता है, लेकिन जो तृतीय कारण है आध्यात्मिक,
उस सबको झेलना पड़ता है, वो है व्याधि जनित दुख, अर्थात अपना स्वयं का जो दुख है, अपना शरीर मन का जो दुख है। शरीर व्याधिग्रस्त हो जाने से दुख वो संभव ही है, काल से हम लोग कहा गया शरीरम व्याधि मंदिरम, तो देह धारण करने से दुख झेलना ही पड़ेगा। ठाकुर कहा करते थे टैक्स, शरीर का टैक्स, जैसे घर में रहने से घर का टैक्स देना पड़ता है, तो शरीर में हम लोग रहते हैं, हम लोग ही शरीर के भीतर रहने वाले हैं, शरीरी, तो शरीर हमारे एक गृह है, घर है, इसके भीतर आत्मा रहते हैं, तो जिसे घर का टैक्स देना पड़ता है, इसका भी शरीर का टैक्स देना पड़ता है बीमारी का रूप से, ये तो होगा ही, तो बीमारी होने से कष्ट होगा, वो कष्ट कैसे झेले, यही है समस्या। दिस इज यूनिवर्सल, वही शिक्षा देने के लिए ठाकुर ने अपना शरीर में रोग पैदा किया है, ये कारण है। तो कैसे झेलना पड़ेगा, यहाँ पर कैसे कहा गया है, अप्रतिकारपूर्वकम, जब प्रतिकार ना किया जाए, तो प्रतिकार नहीं करने से तो कष्ट बढ़ते जाएंगे। क्योंकि ये कष्ट जो आया है, ये हमारे पूर्व निर्धारित है, ईश्वर निर्धारित है, ये कष्ट हमारे लिए फायदेमंद है। जो संत है वो बीमारी होने से इसको लागव करने के लिए कोई डॉक्टर के पास नहीं जाते, ये बड़ी विचित्र बात है। जो संत होते हैं उसको भी जीवन में बीमारी होता है, तो इसको बीमारी के इलाज के लिए कोई वैद्य के पास नहीं जाएंगे। उनका क्या नारा है, औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरिहि, स्वामी विज्ञानानंद जी कहा करते थे। तो औषध क्या है, जाह्नवी तोयम, गंगा जल, गंगा जल ही सर्वश्रेष्ठ औषध है, वैद्य कौन है, नारायण हरि, स्वयं नारायण है, वो हमें देखभाल कर रहे हैं, वो रहते हैं, और दूसरा कहाँ वैद्य को बच जाएंगे, वो तो भवरोग वैद्य है। तो भगवान के ऊपर निर्भर करके पड़े रहे थे, जो सच्चा संत है, तितिक्षा और शरण करने के लिए, भगवान को इच्छा से हुआ है, वो हमें झेलना पड़ेगा, कष्ट सज्ज करने से उतर जाएंगे, ऐसे उनका विचार है। और दूसरा विचार है, अगर डॉक्टर भी आवे, जो भी कुछ करे, उससे हमारे ज़्यादा कुछ सोचने का बात नहीं है, इलाज कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है होने दीजिए, वी शुड नॉट बिकम अपसेट। मन को जो स्थिति, मन का ज्यादा स्थिरता, मन का शांति, शरीर को बीमारी के लिए विघ्नित नहीं होना चाहिए, यह है मतलब। द फिजिकल एलिमेंट शुड नॉट डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड, जो कहा गया है, वो शांत होकर शांत है, थुत्थुरियानंद जी महाराज की जी बात किया है, दुखो जाने या शरीर जाने मंत्री आनंद था को। और चिंता विलाप रहित, हमारे जो मन का चिंतन है वो भगवत चिंतन होना चाहिए, लेकिन जब हमारे मन भाराक्रांत रहते हैं, जब व्याधिग्रस्त रहते हैं,
तो व्याधि के लिए ही हमारे मन को आकर्षण कर लेते हैं, स्वाभाविक है। ठाकुर कहते हैं अगर दांत में दर्द रहेगा मन की आकांक्षा तो दांत का और चले जाएगा, अवश्यंभवी है। तो जहाँ पर हमारा दर्द है, कष्ट है, वहाँ पर मन का एकांक्षा खींच कर चला जाता है और हम वो व्याधि के बारे में चिंतन भी करते हैं कैसे निरामय हो जाए, कितना दिन झेलना पड़ेगा इत्यादि। लेकिन जो मन, ठाकुर कहते हैं, जो मन भगवान को पाने के लिए, भगवान को चिंतन करने के लिए मिला है, वो मन यह नाश्वर शरीर के ऊपर नहीं देना चाहिए। यह विचार, शरीर क्षयशील है, शरीर तो बराबर रहेगा नहीं, नश्वर है, लेकिन मन को, मन मिला है ईश्वर को स्मरण करने के लिए, नश्वर शरीर के लिए चिंतन करने के नहीं। जब बीमारी होता है तब अवश्यंभावी मन ये शरीर पर चला जाएगा, वो शरीर से, वो जहाँ दर्द है वहाँ से मन को उठा के ईश्वर में चरण में प्रेरण करना ही साधन है, इसको तिदीक्षा है। जो मन को जब होगा ये अवस्था, तब कभी मन का शांति विघ्नित होने के लिए हमें सतर्क होना चाहिए। ये दिस इज द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ लाइफ, शरीर धारण करने से व्याधि होगा ही, वाई शुड यू वरी सो मच, इतने जो चिंतन करने का क्या बात है, शरीर हुआ ठीक, जो रोग हुआ है रोग चला जाएगा, भगवान की इच्छा से हुआ है भगवान की इच्छा से चला जाएगा। वी हैव टू बियर एंड फोर बियर, सहनम सही है करना, ये तितिक्षा है। ठाकुर कहा करते थे जी, तीन प्रकार का सह है जीव को शिक्षा देने के लिए, वर्णमाला में तीन प्रकार का सह दे दिया है, तंदुष्ट तलवश्य मदनश्य, वर्णमाला में संस्कृत और देवनागरी में बंगला में तीन प्रकार के सह है। तो ठाकुर का ये नारा था स स स, जे शोय से रोय, जे नाशय से नाशय, अर्थात जो सर्व प्रकार का परिस्थिति में जो सहन लेता है वो रह जाता है, टिकता है, और जो नहीं सह पाते हैं उसका नाश हो जाता है, विनष्ट हो जाता है। तो जीवन में ये जो प्रतिकूल परिस्थिति एक चुनौती रूप से आते हैं उसका सही ढंग से मुकाबला करना चाहिए, शांत होकर, वॉट एवर प्रतिकूलता आते हैं, अपोजिशन आते हैं, उसमें शांत रहना चाहिए। मन को शांति विघ्नित नहीं होना चाहिए, ये मतलब है। मन सर्वदा भगवान के चरणों में रहना चाहिए, मन अगर उधर चले भी जाए उसको खींच के लाना पड़ेगा, उसमें चिंतन नहीं करना चाहिए। और आखिर में बताया विलाप रहितम, हमारे सबसे बड़ा जो विपत्ति है वो है कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति, कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति हो हम विलाप करते हैं, लैमेंट कि ये क्यों हुआ है, हम हाउताश करते हैं, सबको बोलते हैं, हम सोचते हैं ये हमारा बड़ा भगवान का विशाप है। ऐसी जो अनुशोचना विलाप इत्यादि, इससे हमारे जो मन का एक इतना खर्च होता है, दी मिसयूज ऑफ द माइंड इज अननेसेसरी। विलाप करने के क्या, करने से क्या बीमारी खत्म हो जाएगा, अब कभी सोचता नहीं। हम सोचते हैं विलाप करने से इतना रोग का हम भूल जाएंगे कि रोग का प्रकोप कम हो जाएगा, कम नहीं होता है, बढ़ते जाता है। जितना बीमारी का बारे में सोचा जाए उतना ही बीमारी का हम लोग उसके पकड़ में आ जाएंगे, विल कम अंडर दिस ग्रिप, द
ये उपाय है, इसको इग्नोर करना, उपेक्षा करना, विलाप नहीं करना, कभी विलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वी ऑलवेज ट्राई टू ब्लेम अदर्स। किसी को भगवान को विषाप हुआ है, किसी को कारण से हुआ, किसी को नहीं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई कॉन्सिक्वेंसेस। बस विलाप का क्या है, दिस इज फॉर माई कॉन्सिक्वेंस। चिंता विलाप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तितिक्षा का भाव में अगर हम बीमारी को मुकाबला करें एवं मन को भगवत केंद्रित करें, वही बीमारी को जय करने का उपाय है, जो कि ठाकुर अपने जीवन में करके दिखाया। इस चर्चा और भी बढ़ाते हुए हम अगले दिन देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज अमावस्या तिथि है। विशुद्ध सिद्धांत पंजी के अनुसार देवी नाम संकीर्तन होगी संधारित्री के पुराण। आज और एक विशेष तिथि भी है, रविंद्र जयंती। 25 वैशाख है बंगला कैलेंडर अनुसार। आज रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म जयंती है। उनके प्रति श्रद्धा निवेदन करने के लिए भजन संध्या भी होगा, रविंद्र संगीत का आयोजन देवी नाम के उपरांत रामकृष्ण मठ में। अनिमेश मुखर्जी जो सुगायक है, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन में जो पंजीकृत कलाकार है एवं रविंद्र संगीत के शिल्पी है, वो संगीत परिवेशन करेंगे। मेरा भी योगदान रहेगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।